क्या कौन सी डेड बॉडी है सामने? डेड बॉडी रखी है, इनको लेके नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे भी डेड बॉडी रखी है, इनको लेके नहीं जा रहे। के एम हॉस्पिटल है, यहाँ पे डेड बॉडी है, ये भी डेड बॉडी है। पेशेंट यहाँ पे नीचे लेके लेटा हुआ है, कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है। सामने डेड बॉडी कल शाम से यहाँ पे पड़ी हुई है गाइस, देखो। और वो डेड बॉडी 4 घंटे से वहाँ पे पड़ी हुई है, ये डेड बॉडी कल नाइट से यहाँ पे पड़ी हुई है। कोई यहाँ पे देखने के लिए नहीं है ना, कोई हटाने के लिए है यहाँ पे, कोई हटा भी नहीं रहा है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं पेशेंट नीचे लेटे हुए, कचरा उधर साइड में पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स को बोलते हैं कि पेशेंट को आके चेक करो, तू मास्क पहन। डॉक्टर्स को बोलते हैं आके पेशेंट को चेक करो, तो वो बोलता है कि तू जाके देख, और दूसरा बोलता है तू जाके देख। कोई भी आके पेशेंट को देखने के लिए रेडी नहीं है इधर। को कचरा भी साफ करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। कचरा साफ करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। कचरा साफ करने के लिए बोले तो बोलते हैं तुम साफ कर लो, हम यहाँ पे कचरा साफ करें कि कोरोना वायरस को देखें। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखी जा रही है, आप देख सकते हो वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर भी नहीं है किसी के पास जगह। तो सामने वाले वार्ड के अंदर भी जा, बाहर जाओ और अपलोड कर फेसबुक पे, डाल केएम हॉस्पिटल टैग कर। यह वीडियो मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के रिश्तेदार ने भेजा है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मौत के साथ जूझ रहे हैं। वहीं पर उनके बगल में कोरोना पॉजिटिव के कारण जिनकी मौत हो गई उनकी लाशें रखी गई है। पेशेंट जमीन पर लिटाए गए हैं, पूरी तरह से कचरा वहां पे फैला हुआ है। और महाराष्ट्र सरकार और सरकार के मंत्री अपना एयर कंडीशन बंगला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वे कब जाएंगे इन हॉस्पिटल में, कब जाकर के देखेंगे ये बद से बदतर हालात, और ये कब सुधरेगा मुंबई? ये घटना लगातार बार बार मुंबई में हो रही है। हम महाराष्ट्र सरकार को प्रार्थना करते हैं कि अभी भी आप गंभीर हो जाइए। लोग तड़प तड़प करके घर पे मरे जा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में एक सिंगल बेड किसी को नहीं मिल रहा, रोड पे एक एम्बुलेंस नहीं है, 3000 एम्बुलेंस पिछले 2 महीने से बंद है। कब जागेगी महाराष्ट्र सरकार?